यो बड़ीस, तो कैसे हैं आप? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी होंगे। तो आज हम लोग दोबारा से खेले जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और जिन लोगों ने पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा हो, जाके पिछले वाला एपिसोड देखो, तब इस एपिसोड को देखो, तब जाके समझ में आएगा। तो आज की इस वाले एपिसोड में हम लोग बनाने जा रहे हैं पोर्टल, और जाएंगे नेटर पोर्टल में, मतलब नेटर पोर्टल को बनाएंगे और नेटर पोर्टल में जाएंगे। नेटर पोर्टल में जाके हम लोग पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन हम वहाँ पे जाएंगे अपने कासा का थोड़ा बहुत सामान लेने। अब बेसिकली हमें नेटर पोर्टल बनाने के लिए तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक तो हो गया ऑब्सीडियन, दूसरा हो गया हमें फ्लिंट एंड स्टील, और तीसरा हमें खुद को जाना पड़ता है। और उन चीज़ों के लिए हमें जाना पड़ेगा अपनी माइंड में। अब माइंड में जाकर उन सब चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा। उससे पहले हम अपना कुछ सामान शॉर्ट कर लेते हैं, इसमें सारा सामान डालते हैं और चलते हैं सीधा अपनी माइंड की ओर। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने माइन की, और अब माइन के अंदर चलते हैं और ढूंढते हैं लावा। और मैं आयरन की पकड़ बना के आ चुका हूं, जिसके अंदर हम लावा रखेंगे। तो गाइस, बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद मुझे लावा का यहाँ पे थोड़ा सा स्रोत तो मिल चुका, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी लावा नहीं था, बस एक यही जगह मिली है, बस यहाँ पे लावा हुए। अपनी जो बकेट है वो रही है, तो यहाँ पे यार एक बकेट में तो हमने पानी भरा हुआ है, सो यहीं पे रख देते हैं। पानी यहाँ पे रखा, इसमें उठाते हैं लावा को। एक बकेट लावा हमारे पास आ चुका है, दूसरा बकेट, ये क्या दूसरा बकेट क्यों नहीं आ रहा? अब कहाँ से मिलेगा दूसरे बकेट का लावा भाई? यहाँ पे आसपास कहीं तो मिल जाए भाई। मिल गया, दूसरा बकेट का भी लावा मिल चुका है। अब इस लावा को लेकर चलते हैं हम सीधा सीधा अपने कासल की तरफ। तो गाइस, मैंने यहाँ पे गड्ढा करके उसके अंदर लावा डाल दिया। अब इसके अंदर पानी डालते हैं, बस पानी साइड में डाल के हमने यहाँ पे एक ऑब्सीडियम ब्लॉक बना लिया। इसी तरह से हम बाकी के ब्लॉक्स बना के अपना पोर्टल जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो गाइस, बहुत सारे मेहनत करने के बाद में मैंने अपना पोर्टल तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब इसके लिए हमें फ्लिंट की ज़रूरत है। और जो कि फ्लिंट हमें मेरे ख्याल से मेरे पास होगा, लेकिन उससे पहले हम जाके थोड़ा दूर जाके आते हैं, स्क्रीपर को फोड़ के आते हैं। स्क्रीपर ने हमारी बैंड बजा देनी है यार। स्क्रीपर ने बहुत पंगे लेती है, पहले भी बहुत पंगे ले चुका है, अब स्क्रीपर से और पंगे लेना चाहता। तो भाई यहाँ पे आके फुट जा, फुट जा यहाँ पे आके, फुट गया भाई, बच गया। ओ लग गई, आधी थोड़ी सी चोट लग गई। चलो डर्ट दे के गया, मैं सोचा स्टोन देगा, लेकिन स्टोन दिया ही नहीं, दो स्टोन दे गया मसा। ये क्या यार, क्या मतलब क्रीपर ने नुकसान करा के रख दिया ऊपर से। अब गड्ढा हो गया, उस गड्ढे का भी भरना पड़ेगा। चलो जाके देखते हैं हमारे जो चेस्ट है उसके अंदर हमारे पास फ्लिंट एंड स्टील के लिए फ्लिंट है कि नहीं। मुर्गे तू मर पहले, मुर्गे का मारना जरूरी था, नहीं तो संतुष्टि नहीं मिलती। यहाँ पे फ्लिंट एंड स्टील नहीं, यहाँ पे तो अपना स्टोन है, यहाँ पे फ्लिंट एंड स्टील भाई नीचे आसपास, यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ पे भी फ्लिंट एंड स्टील नहीं है। तो गाइज, मेरे पास कहीं पे भी फ्लिंट नहीं पड़ा था, तो मैं जाके जाके वाटर में से अपना मतलब पानी में से जाके हम फ्लिंट ले आ चुका हूँ। फ्लिंट से हम फ्लिंट एंड स्टील बना लेते हैं। फ्लिंट एंड स्टील हमारा बन चुका है, अब इससे हम जाके अपना पोर्टल एक्टिवेट करते हैं। उसके बारे में हम लोग जाएंगे नेदर में, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़े बहुत और सामान बनाना है, उसको भी बना लेते हैं। जैसे कि हमें स्वॉर्ड की ज़रूरत है और एक पिकेक्स की भी ज़रूरत है, एक पिकेक्स भी बना लेते हैं। तो गाइस, अब मैं चल रहा हूँ अपना नेदर पोर्टल एक्टिवेट करने, और ये हमारा नेदर पोर्टल एक्टिवेट हो गया। लेकिन तू सामने कहाँ आ रही है भाई, तू यहाँ साइड हो, साइड हो यहाँ से। हाँ, तो नेदर पोर्टल हमारा एक्टिवेट हो चुका है, अब चलते हैं नेदर पोर्टल के अंदर। लेकिन उससे पहले हमें तो अपनी तलवार यहाँ पे रखते हैं और जय श्री राम बोल के चलते हैं। 1 2 3 चल भाई, जय श्री राम। तो गाइस, हम लोग शहर से आ चुके हैं नेदर पोर्टल में। अब ये नेदर पोर्टल भाई सारा का सारा लाल क्यों है? और यहाँ पे लावा, और ये क्या आग भाई, ये सब क्या है यहाँ पे? और ये क्या है, ये लालटेन से चमक रही है यार,
ये कौन से तारे नीचे आ गए क्या? भगवान ने तारे, और ये सुअर घूम रहे हैं यहाँ पे भाई, सुअर जैसे प्राणी घूम रहे हैं। इन प्राणियों से यहाँ पे मतलब कुछ खतरा तो नहीं है। हमें स्वॉर्ड हम लेके आए हैं, अगर ज़्यादा तंग करेंगे तो हम इनका चिंता तसा कर देंगे यार। अब यहाँ से हम जो तोड़ने आए वो तोड़ देते हैं। रेड कलर वाले ब्लॉक, ये कौन सा है? ये क्या भाई, इससे तो कुछ और, मुझे रानी का सिंगार मिला क्या? पता नहीं, हम ब्लॉक तोड़ देते हैं। हमें यहाँ पे मेन ब्लॉक तोड़ना है और लूटापाट करके जाना है। इसे क्या बोलते हैं? ये है नेदरैक। नेदरैक को रखते हैं हम यहाँ पे और इसको जल्दी जल्दी तोड़ के निकलते हैं यहाँ से, नहीं तो क्या पता ये सुअर जैसे दिखने वाले प्राणी हमारी जान लेने के पीछे पड़ जाए। भाई इन प्राणियों से बच के रहेंगे और जितने ब्लॉक हो सकते हैं उतने ब्लॉक तोड़ लेते हैं। अरे भाई ये कहाँ से आवाज आई? ओ भाई साहब, यहाँ पे पीछे अभी चीटा चीटा कुछ दिखाई गया था भाई हवा में उड़ता हुआ। और ये भाई, ये प्राणी कहाँ पे ऊपर चढ़े हुए हैं? हम जल्दी जल्दी ब्लॉक तोड़ते हैं और यहाँ से निकलते घर की तरफ यार, नहीं तो ये क्या पता हमारा यहाँ पे वो बना दे, क्या बोलते हैं उसे, हमारी यहीं पे अर्थिन चिता दे। बस भाई साहब आवाज़ आती है यहाँ पे तगड़ी तगड़ी। वो क्या है, ये क्या है भाई सामने? ओ भाई मारे गया तो नहीं ना? ओ भाई साहब ये क्या है, ये कैसा? ओ भाई इसे तो चोट लग रही है। ओए नीचे आजा भाई, मर जाएगा। वैसे तू मरेगा तो मेरा क्या जा रहा है? ये क्या था भाई, कमेंट में बताना ये कौन सा प्राणी है भाई। इसे तो पहली बार देख रहा हूँ मैं शायद से, ऐसे तो सब कुछ ही, लेकिन ये क्या था यार? भाई साहब वो सब कुछ तो मैं तोड़ लिया नेदरैक, अब ये मुझे चमकने वाला जो तारे दिखाई दे रहे हैं इनसे भी तोड़ लेते हैं। इनसे क्या मिल रहा है हमें? ये ग्लो स्टोन डस्ट है। अच्छा ये ग्लो स्टोन है शायद से, नाम सुना सुना सा है, लेकिन इसे भी तोड़ लेते अपने महल में सजाएंगे भाई। हम ऐसे ही बना बना के, वो भाई आग में जाके खराब मत हो जाना। ओए तू बुझ, ये भाई आग पंगे लेती है, आग से हमें दूर ही रहना चाहिए। बुझ जा, सब बुझा दूंगा मैं, सब बुझा दूंगा, आग नहीं रहनी चाहिए इस वर्ल्ड में। वैसे ये इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है, यहाँ पे आग ना हो मतलब वर्ल्ड वर्ल्ड नहीं रहेगा। चलो यहाँ से जितने भी स्टोन है ये तोड़ के चलते हैं। ये क्या है, ये ग्लो स्टोन। तो गाइस बहुत सारा सामान इकट्ठा करके मैं अपने वर्ल्ड में दोबारा से आ चुका हूँ। और वो सुअर जैसे प्राणी, तू मेरे वर्ल्ड में क्या कर रहा है भाई? तेरे मुंह पे पटाख से मार दूंगा, भाग जा यहाँ से, सोने की तलवार लिया है। वो एक गोल्डन स्वॉर्ड लेके आया है तू यहाँ पे मेरे मेरे वर्ल्ड में। पट ये ले ले ले, पट से ले ले, अपने दोस्तों को मत बुलाना बस। ओ भाई ये कैसे भूल गया था। चलो तो ये पट से हमने स्वामी स्वामी के ये सुअरवानी जो भी है इसको हमने मार दिया है। चलो भाई पहला कत्ल तो कर ही दिया किसी बंदे का। तो गाइस अब ये जो मैं नेदरैक लेके आया हूँ, जरा इसे हम अपने कासल में लगा के देखिए इसका लुक कैसी आ रही है भाई। थोड़ा सा चलो यहाँ पे टचअप देके देखते हैं इससे, मतलब थोड़ा सा लगा के देख लेते हैं कैसा आ रहा है। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो तोड़ देंगे। वैसे ये दूर से तो ठीक ठाक सा यार, मुझे अच्छा वैसे तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी एक बार पूरा लगा के देखते हैं यहाँ पे कैसा लग रहा है। क्या पता बाद में लुक अच्छी यहाँ लग जाए, कभी कभार अच्छी पहले स्टार्टिंग में नहीं दिखाई देती लेकिन बाद में बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ये भाई लगे, यहाँ पे भी लगा देते हैं यार लुक। ये थोड़ी तो ठीक ठाक तो लग रही है, लेकिन उतना जितना मैं सोच रहा हूँ उतना सही नहीं लग रहा। ये पूरा लगा के देखते हैं पहले यहाँ पे। ओ तू टूट जा भाई, तू अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पे। अब यहाँ पे भी एक और लगा देते हैं, और यहाँ पे भी एक और, यहाँ पे भी एक और, यहाँ पे आगे भी एक और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, अब यहाँ पे भी एक लगा ही देते हैं। यहाँ पे जगह क्यों छोड़नी है। चलो तो ये मेरे ख्याल से ठीक ठाक तो नहीं लग रहा है, मुझे ये ठीक ठाक नहीं लग रहा। तो गाइज वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने उसे तोड़ दिया। और यहाँ पे ना उसको पिघला के मैंने ब्रिक बना के, यहाँ पे एक ब्रिक बना के उसका मतलब एक तरीके से ब्रिक ही मान लो, ब्रिक वाले ब्लॉक मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। और वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़े बहुत और बना लेता हूँ। जिस मतलब जितने बन सके, इसको बनाने के लिए तो बहुत सारी ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम सारे के सारे यहाँ पे रख के जल्दी जल्दी बना लेते हैं, और बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो और ले आएंगे। हमारे पास नेदर रख की तो कमी ही नहीं है हमारे पास। तो गाइस मैं नेदर ब्रिक ब्लॉक और बना के लेके आ चुका हूँ, 16 और बना के लेके आ चुका हूँ। तो इसे भी यहाँ पे लगाते हैं, एक यहाँ पे लगाते हैं, एक यहाँ पे लगाते हैं, और एक ये यहाँ पे नीचे भाई, यहाँ पे एक और लगा देते हैं। तो ये देखने में अच्छा लग रहा है, और लगा देते हैं यहाँ पे, मतलब पहले से तो काफ़ी ठीक लुक आ रही है। अब ये थोड़ा ईंट ईंट सा हो गया, मतलब थोड़ा महल का लुक दे रहा है। तो तुम लोग कमेंट में बताना कैसा लुक दे रहा है। अच्छा नहीं दे रहा होगा तो मतलब तुम लोग को अच्छा नहीं, पसंद नहीं आ रहा होगा तो हम इसको तोड़ देंगे, कुछ और लगाएंगे। तुम लोग जो बोलोगे वो लगाएंगे, बस डायमंड चाहे और कुछ महंगी चीज मत दे, बता देना भाई स्टार्टिंग में ही, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं अभी उतना। तो जो तुम लोग बोलोगे उतना तो मैं लगा दूंगा, वैसे कोशिश करेंगे लगाने की, तुम लोग कॉमेंट में बता देना। तो गाइस थोड़ी कोल की कमी पड़ने के कारण मैं अपना केव में आया हूँ, और केव में कोल ढूंढने आया हूँ। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी कोल ढूंढते हैं और चलते हैं अपनी कासल की तरफ। गाइस केव में मुझे नीचे बहुत ज़्यादा गहराई पे मैं पहुंच चुका हूँ, और नीचे मुझे बहुत ज़्यादा गहरा दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे डायमंड होगा,
अब डायमंड के चक्कर है तो हम नीचे तो जाएंगे ही, लेकिन नीचे जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ यहाँ से। ओ भाई सब लग गई, बच गए भाई बच गए, लगने से बच गई, पानी में थे। तो मैं नीचे आ चुका हूँ और यहाँ पे एक और पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है और आसपास आयरन दिखाई दे रहा है, लेकिन वो पानी दिखाई दे रहा है भाई। उस पानी पे ऊपर चल के देखते हैं पानी आ कहाँ से रहा है आखिरकार। ऊपर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा यार, ऊपर डायमंड है क्या, मुझे लग रहा है। तो गाइस मैं ऊपर की तरफ जाने लग गया हूँ, देखते हैं पानी का जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है पानी। तो भाई ऊपर ऊपर जाना है ऊपर, या अटक गया था बीच में। और भाई ऊपर मतलब देखते हैं ऊपर पे पानी आखिरकार आ कहाँ से रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो ये पानी आ रहा है। क्या पता वो जहाँ से हमने अपना फ्लिंट स्टील लिया था वहीं से पानी आ रहा है। तो ऊपर हम पहुँच चुके। ओ भाई साहब नीचे जाने लगे, बच गया बच गया बच गया, कहाँ पे आ गया ये मैं ये। ओ भाई साहब ये चेन लटक रही है, कोई तो चेन है ये कौन सी चेन है भाई। वो ये क्या है, ये माइनशाफ्ट है क्या। ओ भाई साहब ये माइनशाफ्ट मिल गया क्या मुझे गाइस, माइनशाफ्ट मिल गई मुझे, ये कैसे हो गया। मतलब थर्ड एपिसोड मुझे माइनक्राफ्ट माइनशाफ्ट मिल गई माइनक्राफ्ट में। भाई ये बच गया, ऊपर से मुझे कोई तीर मार रहा था, स्केल्टन था भाई, ऊपर स्केल्टन था जो मुझे तीर मारने की कोशिश कर रहा ये था। टॉर्च भी ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टॉर्च भी नहीं है ना, हमारे पास वो है क्या बोलते कोल, कोयल भी मुझे अभी तक मिला नहीं है। और कोल के चक्कर में कहाँ पे आ चुका हूँ और उसके चक्कर में मुझे माइनशाफ्ट मिल चुकी है। यहाँ से भी टॉर्च ले लेते हैं भाई, हमें टॉर्च की ज़रूरत है, ऊपर टॉर्च लगानी होगी क्योंकि ऊपर सारा अंधेरा है तो पता कैसे लगेगा। यहाँ पे भी 2-3 मैंने टॉर्च लगाई हुई है, यहाँ पे भी इसे भी ले लेते हैं यहाँ से। तू भाई तू वापस आ मेरे पास, और एक और वहाँ पर लगी हुई है वो भी ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं भाई, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ से आए थे। अब जल्दी जल्दी चलते हैं उस माइनशाफ्ट पे। ओ भाई ऊपर चल ऊपर, दम ना घुट जाए पानी के अंदर, मेरा दम घुट जाएगा तो। ओ ये कहाँ से आ गए जॉम्बी, ओ तू नीचे आओ। भाई साहब ये जॉम्बी कहाँ से आ गए, ये ऊपर से ही आ रहे हैं माइनशाफ्ट में से ही आ रहे हैं जॉम्बी। पहले तो इनको निपटाना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। ऊपर से 2 थप्पड़ लगा चुके हैं मुझे और मैं दिखाना चाहता हूँ इसे थप्पड़। अब चले ऊपर की तरफ, की ऊपर से और जॉम्बी आ रहे हैं, पहले अपनी हेल्थ बढ़ा देते हैं, नहीं तो हेल्थ कम रहेगी तो जॉम्बी से लड़ने में दिक्कत होगी। अब ऊपर देखते हैं ऊपर और जॉम्बी आ रहे हैं कि नहीं, जॉम्बी और आ रहे हैं तो पहले आ जाओ, फिर से पंगे मत लो। यार एक और आ गया, इसे भी धोना ही पड़ेगा पहले। आ नीचे आ तू नीचे, तेरी तेरी वेट है, आ जा ये ले पानी के अंदर ही धो दूंगा, पानी से बाहर आती, आ जा पानी के बाहर, ये ले तू तो पानी के अंदर ही गया भाई, तू रहने दे, तुम चौमो से मेरे से पंगे मत लिया करो आगे। यार ऊपर से एक और आ रहा है, आ जा तुम भी दर्शन दे ही लो, तुम्हारे भी पहले हम तुम्हारे भी गुणगान कर ले यहाँ पे। नीचे आ नीचे आ, ये ले तेरे नीचे आने से पहले, ये ले तू जा यहाँ से, तो मुँह से आ जाते लड़ने मेरे से। हेलो का देखो अपनी मेरे से लड़ने के लिए। अब ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर से एक और ज़ॉम्बी आ रहा है क्या भाई, आ रहा है तो जल्दी आ जा, ऐसे तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे इसके अंदर, शायद से आ रहा है, शायद से नहीं आ रहा। हम ऊपर चलते हैं चुपचाप से, आ रहा होगा तो दिखी जाएगी, नहीं आ रहा होगा छोड़ी जाएगी। तो गाइस मैं माइनशाफ्ट पे पहुंच चुका हूँ, यहाँ पे लगा दी टॉर्च। ओ भाई साहब ये माइनशाफ्ट बहुत बड़ी वाली लग रही है मुझे, वैसे तो माइनशाफ्ट बड़ी होती है। ओए ये लावा कहाँ से आ रहा है, ओए लावा तो जला मत दियो मुझे, रुको यहाँ पे पहले लावा बंद किया जाए। ये लावा बंद कर दिया हमने, थोड़ा सा लावा इसलिए छोड़ दिया ना क्योंकि हमें रोशनी भी चाहिए, टॉर्च लगा के वेस्ट करने से अच्छे लावा बंद करें। ओ भाई आगे कैसे जाऊँ, ये पानी बहुत पीछे ढकेल दे रहा है। ओ 2 मिनट तो रुक जा भाई लगाने दे, ये अलग से मैं इसके अंदर फंस गया। ओ भाई साहब ये स्पाइडर वेब के अंदर फंस गया मैं। ओ भाई साहब बड़े ही प्रयासों के बाद में मैंने ये बंदी कर दी दिया आखिरकार पानी का रास्ता। और आगे तरफ देखते हैं हमें कोई चेस्ट मिलती है कि नहीं। भाई मैं तो सुना माइनक्राफ्ट में ये तो खत्म हो गया है, यहाँ पे माइनक्राफ्ट में मैंने सुना है कि यहाँ पे माइनशाफ्ट में चेस्ट मिलती है। आगे तोड़ के देख लेते हैं क्या पता आगे आसपास कोई और माइनशाफ्ट जुड़ती हो, कि इतनी की माइनशाफ्ट थी भाई। ये टॉर्च तो मेरी फिर गलत ही लग गई, टॉर्च वापस आए तो तेरी यहाँ पर जरूरत नहीं है, तू मेरे पास वापस आ टूट जा। और ये क्या हो रहा है, ओए तू भी मेरे साथ खेल रही है, नहीं टॉर्च तो निकल गई। चलो भाई यहाँ पे इसी तरह दरवाजे को बंद कर देते क्योंकि आगे तो हमने जाना नहीं है, अब यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे। याद रहेगा कि हम यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं भाई, ये तो ऐसे घूमने को है। और आगे की तरफ चलते हैं, अब सामने की तरफ जो माइनशाफ्ट जा रही थी वहीं पे चलते हैं। नीचे नीचे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसे खाली बना हुआ है। अब यहाँ पे एक पीछे की तरफ नहीं सामने की तरफ एक माइनशाफ्ट जा रही है, सामने की तरफ ढूंढते हैं यहाँ पे आसपास कुछ है कि नहीं। तो गाइज मुझे माइनशाफ्ट का पहला चेस्ट मिल चुका है, उसके अंदर भाई साहब ये क्या क्या मिला मुझे, मैंने सीधा चेस्ट ही तोड़ दी। चेस्ट के अंदर भाई साहब गोल्डन एप्पल, गोल्डन एप्पल मिला, थोड़ी बहुत ही रेल ट्रैक की पटरिया मिली है भाई साहब, रेल ट्रैक मिला मतलब सिंपली। अब इससे हम थोड़ी बहुत टॉर्चेस भी मिल गई भाई, टॉर्चेस भी मिल गई, टॉर्चेस सब अब थोड़ा अच्छा है। और भी ढूंढते हैं यहाँ पे, और भी चेस्ट होंगी उन्हें भी खोलते हैं जल्दी जल्दी। भाई साहब ये है हमारी 5वीं चेस्ट और इसके अंदर ओ भाई लिटरली डायमंड, एक डायमंड मिल गया हमें, पहला डायमंड हमारी माइनक्राफ्ट की जिंदगी का।
तू भाई पूरा टूट, तू मुझे सारा सामान दे। टॉर्च नीचे गिर गया यार, अब मैं नीचे नहीं जा रहा, नीचे बहुत ज्यादा मॉन्स्टर है। भाई साहब एक डायमंड मिल गया, अब तो एकदम सुरक्षित घर जाना पड़ेगा यार, अब मैं एकदम सुरक्षित घर पहुंचूंगा अपने। ये एक और हमारी सातवीं चेस्ट, इसके अंदर क्या है? ओ भाई साहब इसके अंदर भी दो डायमंड मिले और एक बुक मिली है, एन्चेंटिंग बुक, प्रोटेक्शन सेकंड पता नहीं थर्ड थी, वो भी मिल गया। और लेल ट्रैक भी है, हम इसे भी अंदर रख लेते हैं और चलते हैं जल्दी जल्दी अब अपने घर की तरफ यार। सारा सामान उठा के, जितना सामान मिल गया बहुत है, ज्यादा लालच बुरी भला। भाई साहब जो जो सामान चाहिए था उससे कुछ ज्यादा ही लेके हम जा रहे हैं यार, हम तो खाली कोल लेने आए थे। माइन शाफ्ट मिल गई, माइन शाफ्ट के अंदर डायमंड मिल गया उसके अंदर। ओ भाई ये बच्चा कहाँ से आ गया? ओ भाई साहब ये जॉम्बी विलेज कैसे बन गए मेरे सारे विलेज जॉम्बी बन गए क्या? ये नहीं होना चाहिए, सारे विलेज जॉम्बी नहीं बनने चाहिए। भाई साहब ये कहीं और से है, तू कहीं और से है, तू बोलते कहीं और से है, तू कहीं और से है, तू कहीं और से, तू कहीं और से है, तू कहीं और से है, मार मत भाई। ये बच्चा है यार, बच्चा क्या बिगाड़ लेगा मेरा, उसका डैडी भी आ रहा है। भाई साहब भागो यहाँ से, यार एक तो ये अब उसका एल्टर नहीं सुन देगा, जल्दी मैं सो के मिलता तुम लोगों से, बाय बाय। तो सो के मैं उठ चुका हूँ और ये सारे के सारे क्या बोले, आतमखोर आतमखोर, ये क्या है? ये मॉन्स्टर हमसे अब जल रहे हैं, ये मुझे सुबह उठे और देख के जल रहे हैं। मत जलो जलो देख के जलो, जॉम्बी विलर टू भी जल, जब जलो तो तब तुम लोग नहीं मिलते हो, जब नहीं जलो तो तब तुम लगा के पंगे लेते हो। तू तू जिंदा कैसे है? तू क्यों नहीं जलती? तुझे कौन सा वरदान मिला? तू नहीं जलती मकड़ी कहीं, ये मर तू यहाँ से, तो तलवार से ही मारने को फिर है। भाई साहब तीन डायमंड मिले जो हमने यहाँ पे रखे हैं, एमरल्ड भी मिले हैं वो मुझे विलेज में मिले थे, और यहाँ पे एक गोल्डन एप्पल मिला है, एंचेंटिक बुक मिली है, बेरीज मिली है, और ये रेल से कुछ पटरियाँ मिली है, और ये लैपिस लजूली मिला है, और वहाँ पे स्लाइम को कुछ मारा, और ज़्यादा कुछ नहीं मिला, रेड स्टोन मिला है, और मतलब इतना ही आयरन वायरन मिला है थोड़ा सा, और ये थोड़े बहुत हमें ये क्या बोलते हैं काट मिली है, बस इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं मिला, मतलब ज़्यादा कुछ मैं घूमा भी नहीं है, जो कुछ मिलेगा बारे में तुम लोगों को दिखा दूंगा। तो गाइज एक और बार मैं उसी जगह पर आ चुका हूँ, लेकिन मैं ये इस बार ये देख रहा हूँ कि आखिरकार ये पानी आ कहाँ से रहा है। चलते हैं इस पानी के एकदम ऊपर, मतलब देखते हैं भाई साहब ये इतनी बड़ी माइन शाफ्ट के पास, मतलब ये इतनी बड़ी केव में पानी कहाँ से रो, अटक गया भाई। आगे चल आगे, हाँ अब ऊपर की तरफ, वो भाई नीचे मत गिर जाना, ऊपर की तरफ चलते हैं, देखते हैं पानी कहाँ से रहा है। भाई नीचे गिर जाऊँगा ये यार, ऊपर नहीं जाया जा रहा, यहाँ पे बीच में एक पत्थर सा आ रहा है यार, इसको तोड़ना अलग हो जा रहा है, और भाई सांस घुट जा रही है यार। जल्दी जल्दी ऊपर पहुँचते हैं, क्यों पंगे लिए जा रहे हैं। हाँ अब ठीक है, अब ऊपर जा रहे हैं, अब देखते हैं भाई ये पानी कहाँ से रहा है आखिर। वो नीचे नीचे नहीं, नीचे नीचे नीचे, बच गया बच गया बच गया। इस पानी का आने का जो जगह है मेरे ख्याल से यार ऊपर का वो लेक ही होगी, सिंपल जो हमारे कासर के सामने लेक है। भाई नीचे बच गया बच गया बच गया बच गया, नहीं तो अभी पूरा नीचे जाता। और ऊपर की तरफ जल्दी जल्दी चलता हूँ यार, चलना यार। भाई साहब पहुँच गए, मेरे ख्याल से एकदम ऊपर पहुँच चुके हैं। ओए ओए ये क्या ड्रिफ्ट स्टोन लगा हुआ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े वाला। अब एकदम ओ थोड़ा सा पास में ही है, पास में ही है, पास में ही है, ऊपर पहुँच गए ऊपर। ओए ये क्या है? ओ भाई साहब ये तो ग्लोइंग ऑक्टोपस है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ सच्ची, मैं कसम नियत पास आई जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ मैं ग्लोइंग ऑक्टोपस। पहले शायद तुम लोगों ने भी किसी की वीडियो में ग्लोइंग ऑक्टोपस ना देखा हो, वो भी यहाँ पे एक केव के अंदर। भाई कुछ बोलेगा तो नहीं ना? भाई कैसे ग्लो कर रहा है ये, मार भी नहीं रहा मुझे ये, तो भाई यहाँ से ले जाना बनता है। इसे ले जाने के लिए कुछ ना कुछ मैं जल्दी ही दिमाग लगाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी इन सब की रहने की जगह नहीं है। लेकिन भाई साहब ये ग्लो कैसे कर रहे हैं यहाँ पे? ऑक्टोपस रियली ग्लो करते हैं क्या? रात में तो आज तक मैंने ऑक्टोपस को ग्लो करते हुए नहीं देखा, ये ऑक्टोपस कैसे ग्लो कर रहे हैं यार? ये ग्लोइंग ऑक्टोपस है, नीचे से यहाँ पे कुछ आ भी नहीं। ओ अच्छा मैग्मा ब्लॉक लगा है यहाँ पे, ये घींच के नीचे ले आ रहा है। इसे खेलने में बड़ा मज़ा है, लेकिन भाई साहब ये ऑक्टोपस ग्लो करते हुए पहली बार देख रहा हूँ मैं। तुम लोगों ने भी अगर पहली बार देखा तो इस वीडियो को लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब मार देना, और कमेंट में बताना तुम लोगों ने पहली बार देखा है कि नहीं इस ग्लोइंग ऑक्टोपस को। तो भाई इन लोगों को जब लेके जाना होगा तब हम यहाँ से लेके जाएंगे, लेकिन अभी के लिए हम चलते हैं अपने घर की तरफ। क्या पता घर पे क्या हो रहा हो यार, कासल है, कासल को अकेला छोड़ के नहीं आ सकते, वहाँ पे क्रीपर क्रीपर आ गया, ऐसे तो ब्लास्ट नहीं हो गया जैसे नीचे आ गया वो, देखो नीचे दो तीन क्रीपर मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता मैं तो पानी में से कूद के जाऊँगा। बाय, तो तुम लोगों को मिलता हूँ अपने कासल पे सीधा, तब तक के लिए तो बाय। तो गाइस मैं सो के उठ चुका हूँ और ओ भाई साहब तू कहाँ से आ गया? वो पागल, अरे बोल तो नहीं थी, पागल ही हो गया, सामने एक क्रीपर दिखाई दे रहा है, तू क्या कर रहा है यहाँ पे, तू कर रहा है, तू रुक गया पानी में, आ पानी में, आ पानी में आके ब्लास्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, आ जा पानी में, आ जा पानी में, आ जा
हाँ ना, तो मैं तो पानी में आके लड़ ले। ओए ब्लास्ट हो जाएगा, बच वहीं पे ब्लास्ट हो गया, पानी में ब्लास्ट ही नहीं हुआ, अलग ही था यार। अब यहाँ पे मुझे डर लगे, फील करना पड़ेगा। चलो ऐसे मैं करता रहूँगा, आगे की बात करते हैं। मुझे जो दोबारा से उसमें मिला है सामान, मतलब उस माइन शाफ्ट में सामान मिला है, वो है ये डिस्क और ये एक नेम टैग। डिस्क, नेम टैग, एक गोल्डन एप्पल और बेरीज और मिली हैं 6, और एक और गोल्डन एप्पल भी मिला है, और ये थोड़े बहुत रेल ट्रैक मिले हैं। इन जितने भी सारा हमारा मेन सामान है उसको हम यहाँ पे शॉर्ट कर रहे थे। जितना भी हमारे पास मतलब कि प्रीशियस सामान है उसे हम यहाँ पे शॉर्ट का कर देते हैं एकदम। तो गाइज ये हमारे पास कुछ जो कि इम्पोर्टेंट सामान है वो सब यहाँ पे, जैसे ये 3 हमारे पास डायमंड और बाकी का भी सामान है। तो हमारा कासल अभी कुछ ऐसा लग रहा है। पीछे हमने एक ये बना लिया नेदर पोर्टल, नेटवर्क बोर्ड बनाना था वो तो हमने कंप्लीट कर लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। अगर ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और तब तक के लिए मैं आप लोगों से मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।